नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। शादी से भरे घर में विदाई के समय गौने की रस्म को लेकर की जा रही है तैयारियों के बीच कोहराम मच गया है। जब मेहमानों के लिए खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर फटने से 6 महिला व 1 किशोरी तेज लपटों की चपेट में आकर झुलस गए। वहीं तेज धमाका की आवाज़ सुनकर आसपास इलाके में दहशत फैल गई। पड़ोस के लोगों घरों से बाहर आ गए और घायलों को CHC में पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को बांदा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। सब लोग खाना बना रहे थे तो एक छोटा सिलेंडर वहीं से गैस सही हो गया। अच्छा, कितने लोग इसमें जल गए? सात सात लोग जल गए हैं। एक लोग घटना हुई है, हम लोग खाना बना रहे थे लकड़ी के भट्टी में, साइड में सिलेंडर रखा था 2 मीटर के दूर, छोटा वाला ऑटोमेटिक फट गया। इसमें 7 लोग, 8 लोग के 7 मरीज हमारे पास आए हैं, रिफंड केस है, उज्जैनी के रहने वाले हैं और 3 में से ज़्यादा झुलस गए हैं, जिसको रिफर किया गया कानपुर के लिए और 4 मरीज स्टेबल हैं, जिसको भर्ती करके इलाज किया गया। ऐसा बांदा सरवाज खान की खास रिपोर्ट।